हूँ कि जो भी बिहार कॉन्स्टेबल के बच्चे हैं, जो बिहार दरोगा के बच्चे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल पे, मैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप, क्योंकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ आपको बिहार कॉन्स्टेबल में टाइगर जंप मारने का रामबाण एक्सरसाइज। टाइगर जंप मारने से पहले आपको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि हर कोई एकेडमी वाले नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मुझे बच्चे दूर दूर पे है, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मैं उनको बताने वाला कि टाइगर जंप मारने के लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है। हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले बता देने वाला हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं फिजिकल को लेके, कभी परेशानी होती है तो हमसे जरूर आप कॉन्टेक्ट करें। हमारे यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी या सीपीओ का फिजिकल हो या किसी तरह का फिजिकल हो, तो हमारे यहाँ फिजिकल की तैयारी कराई जाती है और यहाँ हमारे यहाँ 100% रिजल्ट होती है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, आज हमारे यहाँ के बच्चे जो बिहार कॉन्स्टेबल में गए हुए थे, उनका बिहार कॉन्स्टेबल का फिजिकल क्लियर हो गया है, तो उनसे मैं जरूर मिलाऊंगा आपसे। तो किसी भी तरह का आपको फिजिकल के लिए प्रॉब्लम है तो जरूर। हॉस्टल का सुविधा भी हमारे यहाँ है, जो कि बिहार कॉन्स्टेबल की तैयारी करना है या बिहार दरोगा का तैयारी करना है बाहर के बच्चे के लिए, हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है। जो भी ऐसा जानकारी लेना है और ज़्यादा, तो आप हमसे मिले, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला एक्सरसाइज बिहार कॉन्स्टेबल के लिए क्या करना है। पहला हम लोग टाइगर जंप के लिए हमको हैंड पावर जरूरी है। हैंड पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए चलते हैं। टाइगर जंप करने के लिए पहला एक्सरसाइज कैसे करना है वो बताने वाला हूँ मैं। तो पैर हम लोग ऊपर करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड टाइप की ओर। इसी में जितना ऊपर जा सकते हैं पैर, ये रखना है, दोस्त। सेकेंड टाइप एक्सरसाइज हम चलेंगे थर्ड टाइप की ओर, जो कि हम लोग का हैंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलेंगे इसको इंक्लाइन, हम लोग इसको बोलते हैं इंक्लाइन, ठीक है। इंक्लाइन वाला करना है, हम लोग इसको इंक्लाइन प्लैंक बोलते हैं, जो कि इस एरिया पे पावर चाहिए, इसके लिए पावर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे थर्ड में, पाव ऊपर रहेगी और इंक्लाइन में हो गया। तीन प्रकार में बताया, इसमें मैं और बताने वाला हूँ आपको। डिप्स पोजीशन, जो कि नॉर्मल डिप्स होता है, वो हम लोग डिप्स पोजीशन डेली करेंगे तो हैंड का पावर बढ़ेगा। हैंड के पावर बढ़ने से आपको तुरंत पूरा तरह से आपका टाइगर जंप के लिए हैंड पावर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो हम फ्रंटल कैसे मारना है, टाइगर जंप के लिए फ्रंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल मारने का तरीका आपको बताने वाला हूँ, आइए चलते हैं। दोस्तों जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कैसे करना है। फ्रंटल मारने का तरीका क्या है, कि जो ऐसे पोजीशन ले लिया, इसको डाउन किया, पहले ये पैर डाउन होगा, ये पैर क्या पहले डाउन होगा, तो ये हाथ रखना है, जब तक हाथ को हमें शरीर जब तक उधर ना हो जाए, तो हाथ को छोड़ना नहीं है। हम ये करेंगे आराम से और इस तरह शुरू करेंगे। फ्रंटल लगातार आपको करना है, लगातार ये चीज़ हम लोग करेंगे फ्रंटल को लेकर। और फिर से एक चीज़ बताने वाला हूँ कैसे होती है। ये पाँव ऐसे रहेगी, ये पाँव पहले डाउन करें जमीन पे, जो नए बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। साथ में इसका हैंड के साथ थोड़ा मूवमेंट लेना है, मूवमेंट लेके हम लोग गर्दन नहीं लगाना है, इससे बैक से लोगों को फ्रंटल करना है। फिर चलो इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये हम लोग फ्रंटल, आपको मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि फ्रंटल में ये नॉर्मल फ्रंटल हो गया, लेकिन टाइगर जंप के लिए फ्रंटल में क्या करते हैं, जो पाँव है आपका वो एकदम सीधा गिरना चाहिए जमीन पर, जो कि आपका बाद जो होता है वो सटेगा नहीं। मैं आपको हाई जंप करके भी दिखाऊंगा, टाइगर जंप मार के भी दिखाऊंगा। तो हम लोग चलते इसका थर्ड की फ्रंटल में, नेक्स्ट टाइप में कैसे हम लोग को पैर सीधा रखना है। पूरी तरह से आप इस टाइगर जंप मारना शुरू कर देंगे, चार मोमेंट जो अंतिम मोमेंट होगा, ठीक है। ये जो पाँव है ये सीधा रहेगा, जितना फ्रंटल मारेगा उतना बार आपको पाँव सीधा रखना है। फिर से आप देखेंगे इसको, ये पाँव सीधा होना चाहिए, ठीक है। आप देखें, ये टाइगर जंप की कुछ एक्सरसाइज मैंने बताया आपको, इतना को आप फॉलो करें मैंने बताया हुआ एक्सरसाइजेस को। आपके बोले 100% मैं बोलता हूँ कि आप टाइगर जंप मारना सीख जाइएगा। नहीं सीखते हैं तो जरूर से जरूर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में हमसे बात कीजिए, मैं आपको फ़ोन पे जरिया भी बताऊँगा आपको कैसे करना है। हमें फॉलो करते रहें आप। हम चलेंगे गद्दा की ओर, जो हमारे यहाँ गद्दा की फैसिलिटीज़ है। बच्चे अभी सीजर मार रहे, पुराने बच्चे और लड़के को होता है टाइगर जंप, तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल सीजर में, तो इधर आपको सब तरह का सीजर सिखाया जाएगा, बेली सिखाया जाएगा, टाइगर जंप, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में हम लोग हाई जंप हम लोग कराते हैं।
तो आपको हम हाई जंप सॉरी टाइगर जंप मार के दिखाएंगे, गेंद में फ्रंट रोल कैसे मारना है वो भी मैं आपको ब्लाइंड पे दिखाऊंगा। फिर पांच एक दो आराम से इतना जंपिंग एक्सरसाइज का जंप टाइगर जंप मारने के कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप फॉलो करें, इतना कीजिए आपके जंप इंप्रूवमेंट होना तय। हम देख रहे हैं हमारा किट है टाइगर जंप मारने का, क्योंकि बिहार कॉन्स्टेबल बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मंगाया गया है। हाई जंप बार है, आपका गद्दा लगाया हुआ है, तो गद्दा कैसे टाइगर जंप करते हो आपको दिखाने वाला हूँ। जो मैं पैर का जो मोमेंट बताया था वो पहले हम लोग हल्का मोमेंट रखना है, बच्चे सभी ध्यान देंगे, पैर का मोमेंट रखना है, हाथ जो है वो एकदम छोड़ना नहीं है अंतिम तक। पहले जैसे कि आना है आराम से, पहले ब्लाइंक खेलो प्रैक्टिस करेंगे, ब्लाइंक इस तरह से आएंगे, पाँव सीधा, आप देखें मेरा पाँव कुछ सीधा रहेगा, पूरा पाँव ये जो है वो सीधा रहेगा, पाँव आप मोड़ेंगे तो आपका फोल्ट होगा, मैं वो फोल्ट और सही दोनों चीज़ करके मैं दिखाऊंगा। इस तरह से आना है, ये पाँव सीधा, ठीक है, आप बच्चे आधा गलत करके आराम से आएंगे, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ये पैर नहीं मोड़ेंगे, पैर मोड़ेंगे आपका बार सट जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बार की ओर, जो कि मैं आपको बार में करके दिखा, कॉन्स्टेबल अब बिहार दरोगे बच्चे ध्यान देंगे, ये चार फीट लगा हुआ है, जो आपको चार फीट बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, कुछ नहीं बहुत ईजी है टाइगर जंप, आप भी कर सकते हैं हम भी कर रहे हैं, हो गया। अब देखिए ये है परफेक्ट टाइगर जंप, जो कि हैंड को लॉक करके ये मारना है जंपिंग के साथ, गलती कैसे मैं आपको गलती दिखाने वाला हूँ, अभी तरीका दिखाया मैं आप लोग आपको, अब मैं फिर से गलत तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको फिर सही करूँगा। बच्चे क्या करते हैं आते हैं और पैर को सीधा रखना है, बच्चे आते हैं ऐसे पैर को मोड़ते हैं, आप देखें पैर को मोड़ने से ये प्रॉब्लम होता है, तो पैर को आपको नहीं मोड़ना है, पैर सीधा करके करना है, फिर से मैं बताने वाला हूँ सही तरीका से पढ़ेंगे कि कैसे चार फीट परफेक्ट वाला मारते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ये हुआ परफेक्ट टाइगर जंप। तो आप भी सीख सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो जरूर से जरूर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको सिखाएंगे कैसे होता है, और मैं पूरी तरह से आपको डिटेल दूंगा, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वीडियो के आखिरी में मिलेगा, तो जरूर से जरूर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, और टाइगर जंप को लेकर या किसी भी तरह का फिजिकल को लेकर प्रॉब्लम है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा अकेडमी मोराबादी रांची में चलता है, तो आप आए सीखे आप हमसे और फिजिकल क्लियर करें। जय हिंद, माता पिता का सेवा करें आप, और घर पे सुरक्षित रहें।